YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा का दिल कौन जीतेगा, इस बात पर बहस लगातार जारी है। अलग अलग पार्टी के नेताओं का अलग अलग दावा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो जनता ही बताएगी। जींद उपचुनाव को लेकर खबर यह है कि टेकराम कंडेला ने बीजेपी को व्यक्तिगत रूप से समर्थन दे दिया है। हरियाणा का दिल जीतने का ख्वाब हर राजनीतिक पार्टी देख रही है। जंगे जींद फतेह करना हर किसी के लिए जरूरी है। किसी की साख दांव पर है तो किसी का राजनीतिक भविष्य ही जींद उपचुनाव पर टिका है। और अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए जींद की बंजर धरती पर कमल का फूल खिलाना भी उतना ही जरूरी है। तभी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला दावा कर रहे हैं कि बीजेपी विकास कार्यों के दम पर हरियाणा का दिल कही जाने वाले जींद की धरती पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, जींद हरियाणा का दिल है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां कभी चुनाव नहीं जीत पाई। हम तो पहले कभी सरकार भी नहीं बना पाए थे, पहली बार हमारी सरकार बनी है और पहली बार में ही ये जैसे उपचुनाव यहां का आया है जींद क्षेत्र का। मैं हमारी 4.25 साल की जो उपलब्धियां हैं हमारी सरकार की, पारदर्शी शासन, जवाबदेह शासन, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करने वाला शासन, मेरिट के आधार पर नौकरियां देने वाला शासन, लगभग 45,000 से ज़्यादा नौकरियां हमने मेरिट के आधार पर आज की तारीख तक हमने दे दी हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलाकर के हम इस चुनाव में हरियाणा का जो दिल है जींद, इसको जीतना चाहते हैं और जनता ने जिताने का मन इसका। जींद उपचुनाव को लेकर बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये भी है कि कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने बीजेपी को समर्थन दिया है। हालांकि टेकराम कंडेला ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समर्थन दिया, क्योंकि खाप किसी का समर्थन नहीं करती है। नहीं, मैं शामिल तो व्यक्तिगत रूप से टेकराम कंडेला के नाम से शामिल हुआ था। न कोई जन कल्याण मंच का इसमें कोई वो है, न खाप पंचायत का कोई, खाप पंचायत व्यक्तिगत रूप से शामिल हुआ था। मेरे पास सुभाष बराला जी प्रदेश के अध्यक्ष आए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, इन्होंने मेरी नाराजगी दी दूर करी और मैं जींद के विकास के लिए और किसानों के काम करने के लिए मेरे को आश्वासन दिया है, इसलिए मैं मेरी नाराजगी इनसे दूर हुई, मैंने अपने समर्थकों से पूछा। हालांकि कंडेला ने ये भी कहा कि अगर खाप के सभी सदस्य किसी पार्टी को समर्थन करते हैं तो वो भी करेंगे। पंचायत ना किसी का समर्थन करती ना किसी का विरोध करेगी। खाप पंचायत में 36 बिरादरी के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के सारे लोग टिकट मांगते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। मैं कभी भी किसी के पास टिकट के लिए नहीं गया और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँ, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं आगे किसी पार्टी की टिकट भी नहीं लूंगा। भारतीय जनता पार्टी में हूँ उसकी भी नहीं लूंगा, मैं चुनाव भी नहीं लूंगा, लड़ूंगा आगे। मतलब कंडेला ने बीजेपी को जो समर्थन दिया है उसके कई मायने हैं। एक ये कि उनका व्यक्तिगत समर्थन है और दूसरा ये कि अगर पूरी खाप समर्थन देती है तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा। ऐसे में चुनावी दलदल में कमल खिलने के आसार ज्यादा हो सकते हैं। वैसे फैसला जनता को करना है, इसलिए इंतजार 31 जनवरी का है। खबर अभी तक के लिए जींद से अनिल मूर की रिपोर्ट।